हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी डेट ऑफ पार्टनर चल रहा है और डेट ऑफ पार्टनर का पार्ट 11 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। राइट है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब पार्टनर डेट करता है, ठीक है ना, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं वो बताइए। थ्योरी है, एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर ए है, बोला नेम दी अकाउंट विच इज ओपन टू क्रेडिट दी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दी डिजिट पार्टनर। क्या बोल रहा है कि उस अकाउंट का नाम बताइए जो प्रॉफिट का शेयर डिजिट पार्टनर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टिल दी टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, लास्ट बैलेंस शीट से लेकर के, ठीक है, उसके डेथ तक का जो शेयर होता है, उस शेयर प्रॉफिट के शेयर को किस अकाउंट ट्रांसफर करते हैं वो बोला है। टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट। राइट है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में शेयर को जो ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट के रूप में, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजिट पार्टनर। डिजिट पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहां से कहां तक का? लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट है, ठीक ना, वहां से लेकर के जिस दिन डेथ किया वहां तक के प्रॉफिट को। ये छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। नेम द अकाउंट विच इज ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजिट पार्टनर टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बोल रहा है कि जब पार्टनर डेथ कर गया, ठीक है, उसके प्रॉफिट के शेयर को लास्ट बैलेंस शीट से लेकर के जिस दिन एक्सपायर किया वहां तक के प्रॉफिट के शेयर को किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो इसका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। जिस अकाउंट ट्रांसफर करते हैं उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, इज ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिजिट पार्टनर। यहाँ पर आंसर हो गया बेटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।